हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ जिया के घर से, अपने घर जा रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है, जाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट जाना तो पड़ेगा ही। एंड सुबह सुबह सब लोग सोए हैं, मैं किसी को भी जगा ही नहीं, बिकॉज जब भी 5:30 हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा लेट रात में सोते हैं लोग, तो सुबह किसी को भी मैं डिस्टर्ब नहीं की। बस हम लोग ही निकल रहे हैं, स्टेशन चलते हैं पहले। चलो बैठो। अरे नहीं, बहुत अच्छा बैठ। किसी भी इवेंट का ऑर्गेनाइज करने में थोड़े से हम अनाड़ी आदमी हैं। अरे था वो कभी रह गए, प्लीज माफ कीजिए। अरे कोई नहीं, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अच्छा लगा जानकर। फिर से आना है फिर? हाँ, ब्यूटी ठीक है ब्यूटी। तो डर लग रहा था कि सभी लोग उठेंगे भी कि नहीं इतना सवेरे, क्योंकि थके आ रही थी सब। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो शाश्वत भाई हम लोग को छोड़ने के लिए आए हैं गाड़ी से। तो यहाँ पर कटिहार जंक्शन है और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। फिर हमारी ट्रेन भी है, सुबह 6 बजे ट्रेन थी, 5:30 में हम लोग घर से निकले। और सुबह सुबह ना किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किए, किसी से मिले भी नहीं, क्योंकि रात में सब लोग 3 बजे 4 बजे सो रहे थे। फिर सुबह 5 बजे जगाने का कोई मतलब नहीं था, कोई उठता भी तो क्या करता, हाँ ठीक है चलो ठीक है। तो फिर मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं की, किसी को भी नहीं जगाई, नहीं किसी से मिली, बस जिया शाश्वत भाई और उनके मम्मी पापा लोग जगे थे, तो मैं इनसे ही मिल के आ गई। उतरो बेटी, आ गए हम लोग कटिहार स्टेशन पर। और जो है अब बक्सर के लिए रवाना होंगे। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग अपने ट्रेन में आ गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा जो ट्रेन का, मतलब पहले जो रिजर्वेशन थी ना 17 तारीख को ही थी, नॉर्थ ईस्ट में थी और जो कि एसी बोगी में थी। वो ट्रेन ना 1, 2, 3 पे आके मेरा ना मतलब सीट कन्फर्म नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। मेरा ना एसी बोगी में रिजर्वेशन था 17 को ही, जो कि कैंसिल हो गया। फिर हम लोग को 18 को आना पड़ा सुबह में, दूसरे में इंटरसिटी में करा के। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक जो डायरेक्ट गाड़ी होता है ना, वो उसमें अच्छा रहता है कि ठीक है अपना अच्छे से गया। इसमें ना पटना से हमको चेंज करना पड़ा था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एंड बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया हमारा। जो मेरा 8 घंटा का ये रास्ता था ना, वो 14 घंटा का हो गया। एंड बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग इस बार घर पहुँचे। आए तो थे कामाख्या एक्सप्रेस में बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ से गए हम लोग बहुत ही कैंसिल हो गया, कंफर्म नहीं हुआ टिकट, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हम लोगों को। बट कैसे भी आएगा, तो गाइस अभी हम लोग निकल गए घर से और ट्रेन में बैठ गए हैं। शाश्वत जी छोड़ के चले गए हम लोगों को और ट्रेन अब खुलेगी बस 5-10 मिनट में ऑलमोस्ट। और अथर सोया हुआ था, मैं उसको ऐसे ही टांग से लेके आई, जब इसकी नींद खुली ना तो पता चला कि ये ट्रेन में बैठा है। और सुबह सुबह मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं की, बिकॉज सारे लोग सोए थे, अगर तू सब लोग सोए हुए थे सुबह में, किसी को भी मैं नहीं जगाई, क्योंकि कोई जगता भी ना तो क्या ठीक है। सुबह सुबह ऐसी होती है ना कि नींद खुलती नहीं है जल्दी, इसलिए खुद मेरा भी सेम वही हाल था, बस जाना था। वाह, क्या है तू? चुप चुप गाड़ी। अभी सुबह सुबह कुरकुरे खाओगे? अभी नहीं, बाद में खाना। ब्यूटी खाओगी? फोटो में दिखा लो। तो
पहुंच जाओगी ना यार? हाँ यार, इंतजार में पहुंचेंगे। ये जाकर को दे, पूरा मजा ले रहा हूँ। पानी बहुत था। इस बच्चे का वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। ये बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है। देखिए ये ट्रेन एसी ट्रेन है और ये मैडम जो है एसी में सफर कर रही हैं और कह रही है एसी में टिकट कराने का क्या फायदा। एसी में कराए थे लेकिन कैंसिल हो गया। गलत किए बता कर, नहीं तो अभी तक ये एसी ही समझ कर जाती। सारे पैन पैन इसमें है, खिड़की खुली हुई है, सब कुछ है और खुद भी विंडो खोल के बैठे हैं और बोल रहे हैं कि एसी में गर्मी क्यों लग रही है, एसी में टिकट कराने का फायदा क्या है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला जो कराया था वो एसी में था क्या? वो नहीं, अब झूठ मत बोलो। कंफर्म नहीं हुआ, मैं इसकी चोट लगा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम अभी इस ट्रेन को एसी ही समझ रहे थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गाइस ये जो हमारी एसी ट्रेन है ये हर जगह नीचे मिल जाती है और मैं टाइम पास करने के लिए अपना ब्लॉग मीटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इतना मैं बोर फील कर रही हूँ ना। मैं सोच रही हूँ सारा ब्लॉग एडिट कर लूँ तब तक। ठीक है, करो तुम एसी ट्रेन में अपने। 120 रुपए का टिकट है और एसी का मजा ले रही है। सही में गाइस, अभी हम आ गए हैं पटना स्टेशन। तो गाइस अभी हम लोग पटना स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे लगभग 1 बजे के करीब हम लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ से अभी बक्सर के लिए कोई ट्रेन है नहीं और जो है भी वो 2 घंटे लेट है। तो 3 बजे के करीब हम लोग जो है यहाँ से अब ट्रेन पकड़ेंगे, जो भी ट्रेन मिल जाए, और उसके बाद जो है हम लोग बक्सर पहुँचेंगे। थोड़ी सी परेशानी तो हो ही गई है टिकट कैंसिल होने से नॉर्थ ईस्ट का, और जो डायरेक्ट ट्रेन होती है उसमें हम लोग आराम से चले जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, इसलिए जो है हम लोग वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं स्टेशन पे रुके हैं तो 2 घंटे में कुछ वीडियो वीडियो बना लें और देखा जाए और क्या करते हैं। ओके, तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में थोड़ा देर पहले कि मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं एसी बोगी में सफ़र कर रही हूँ, तो मेरा ये कहना था कि जो हम लोग एसी में टिकट कराए थे वो कैंसिल हो गया, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं ये बोल रही थी उनसे कि देखिए ना हम लोग एसी में अभी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है हम लोग को, तो वो उसी चीज़ को ना मजाक बना दिए और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इन्जॉय किए कुछ टाइम के लिए कि मतलब बताओ यार टिकट कितना अच्छा कराए थे फिर कैंसिल हो गया, कन्फर्म भी नहीं हुआ, बहुत ही गंदा लग रहा था। अब आप लोग में से कोई ये नहीं बोलना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन शॉट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एंड ये पटना है हम लोग स्टेशन पर, और यहाँ पे भी 1 बजे हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन 3 बजे के बाद ही ट्रेन मिला और फिर घर पे पता है कब गए, 7:30 बजे गए। आगे आपको इस वीडियो में दिखेगा ही, बने रहो आप। एंड अथर के साथ हमारी कुछ मस्ती चल रही थी, बच्चा छोटा है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि इसको भी मतलब परेशानी हो रही थी ना, बाहर ये दूध भी नहीं पीता है, बस बाहर का थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए अगर मन किया तो खाया, नहीं तो दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीता है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बस बोल रहा था कि मम्मा गोद में ले लो। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था ना कि इसको गोद में लेते लेते मेरे पैर में स्वेलिंग हुआ गया था, मतलब मेरा पैर ना सूज गया था एंड बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ उधर से आने में। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इतना बाप रे गजब हुआ मेरे साथ इस बार आने में, लेकिन फिर भी जैसे तैसे घर पहुंच ही गए हम लोग। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं 3:30 हो चुके हैं, 1 बजे से ही हम लोग स्टेशन पे आए हुए हैं और ट्रेन लेट पे लेट होते जा रही है और काफ़ी हम लोग परेशान हैं और बाबू भी काफ़ी परेशान है, ये भी रो रहा है क्योंकि ये बाहर निकलता है तो दूध पीता नहीं है, बाहर का ही कुछ कुछ खा खा कर रहता है। और ब्यूटी भी परेशान है, वो भी उधर कहता है इधर से उधर, परेशान है
अनाउंसमेंट हो चुकी है, हो चुका है, गाड़ी आ रही है। थोड़ी सी खुशी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि बैठने के लिए सीट मिलेगी या नहीं। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे 3:30 हो रहे हैं और अभी एक ट्रेन आई है, तो अभी हम लोग इसमें जाएंगे। बट देखो अभी जाते हैं, और ये मुझे नहीं पता था कि इतना लेट मुझे बक्सर पहुँचाएगा, जहाँ 1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का, वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 4:05। तो बताओ क्या हाल रहा है। तो फाइनली हम लोग जो है सुबह 6 बजे से ट्रेन में चढ़े शाम के साढ़े सात बजे करीब उतरे हैं, और बैठे बैठे ही 3 कटा है। तो अभी हम लोग जो है फिलहाल बक्सर स्टेशन पर उतर चुके हैं, और पूरा कैसा रहा सफ़र इसके बारे में आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा हमारे चैनल ब्यूटी चंदन तिवारी को। इनकी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो घर आकर सबसे पहले हम लोग रेस्टोरेंट से खाना ले लिए थे बाहर से ही, और घर आकर सबसे पहले खाना खाते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी थी, एंड बाहर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ कि खाना पीना भी अच्छा से नहीं हुआ था। तो आई होप आप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।